मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर। कौन हो सकती है फिल्म की नई हीरोइन? कौन निभाने जा रहा है सपोर्टिंग रोल? क्या फिल्म का बजट छुएगा आसमान? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त ओशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, जब भी संस्कारी बेटे का नाम आता है तो अनिल कपूर को ही याद किया जाता है। फिल्म में इन्होंने इतना अच्छा संस्कारी बेटे का रोल निभाया था कि सबकी आंखों पर वही किरदार छाया हुआ है। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में भी माएं जब भी 1992 की फिल्म बेटा देखती हैं तो अपने बच्चे को देखते हुए जरूर कहती हैं, काश हमारा बच्चा भी इतना शरीफ और आज्ञाकारी होता। हालांकि छोड़िए ये बातें पुरानी हैं। अब नई बात करते हैं, जहां अनिल कपूर ने संस्कारी बेटे का किरदार निभाया था, वहीं अब इस फिल्म के पार्ट टू में टाइगर श्रॉफ हमें इस संस्कारी बेटे के रूप में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म में केवल बेटा ही नहीं, मामा मामी माँ बाप सभी ने बेहतरीन रूप से अपने अपने किरदार को निभाया था। लेकिन एक और किरदार था जिसने अपने भोलेपन से लोगों को खूब हंसाया था। जी हाँ, सही सोच रहे हैं, अनिल कपूर यानी कि राजू के घर का नौकर, जो हमेशा अनिल कपूर के किरदार राजू को सपोर्ट करता था। अब मैं इस बात को रिवील करूंगी कि बेटा 2 फिल्म में सपोर्टिंग रोल कौन निभाने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेटा फिल्म में अनिल कपूर के सपोर्टिंग रोल किसने निभाया था। तो आपको बता दूं कि इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल लक्ष्मीकांत बर्दे ने निभाया था, जो हमेशा भैया भैया कहकर अनिल कपूर से बात करता था और उनके भोलेपन पर लोगों को खूब हंसी आती थी। और एक्टर रियल लाइफ में भी बहुत ही मस्ती करते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा फिल्मों में कॉमेडी सीन्स ही किए हैं। लेकिन अब फिल्म के पार्ट 2 की बात है तो नए किरदार और नई जनरेशन होगी। तो मैं बता दूं कि फिल्म के सपोर्टिंग रोल की अनाउंसमेंट अभी तक मेकर्स की तरफ से नहीं की गई है, इसलिए फिल्म में सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सिर्फ सपोर्टिंग किरदार ही नहीं, इस फिल्म की लीड हीरोइन कौन होगी, इस बात पे भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। बेटा फिल्म में माधुरी दीक्षित ने अपनी चतुराई और खूबसूरती के जलवे बिखेरे थे, जो अपनी जलेबी की तरह टेढ़ी सास को सीधा कर देती हैं। लेकिन अब देखना होगा पार्ट 2 में कि फिल्म में कौन बनेगी बहू और लेगी अपनी सास से पंगा। तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस फिल्म के लिए कौन सी एक्ट्रेस फिट बैठेगी बहू के किरदार के लिए। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।